बुद्ध क्यों अलग हुए? उन्होंने देखा कि ये सनातन धर्म के कुछ ऐसे लोग हैं जो यज्ञ में बलि डालते हैं, ये मुर्गे को डाल देते हैं, ये गाय को डाल देते हैं, तो मैं ऐसे सनातन धर्म को नहीं मानता। और बुद्ध ने अलग होकर के बोला कि मैं अपना एक अलग संप्रदाय बनाऊंगा, और बोला बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, ऐसे करके नया संप्रदाय शुरू हो गया। लेकिन उसी के बाद एक और महापुरुष इस दुनिया में आए जिनका नाम था महर्षि दयानंद। उन्होंने देखा कि ये सनातन धर्मियों को क्या हो गया, ये लोग यज्ञ में बलि दे रहे हैं, यज्ञ में जानवरों को डाल रहे हैं, ये कुछ तो गड़बड़ है। सनातन धर्म और परम पिता परमात्मा, इस संसार को बनाने वाला, इतना हिंसक नहीं हो सकता, इतना निर्दयी नहीं हो सकता, इतना निष्ठुर नहीं हो सकता कि वो ऐसा विधान कर दे। उसी ने तो इन सारे प्राणियों को बनाया, उसी ने हम इंसानों को बनाया, वो कैसे इतना बाइस्ड और पक्षपाती हो सकता है? कुछ घालमेल है। उस व्यक्ति ने वेदों को पढ़ा और वेदों को पढ़ करके उसने देखा कि अरे ये तो मैक्स मूलर, ये तो सायण, इन लोगों ने धांधली की थी और अष्टापदौ गो आलंबनिया जैसे जो मंत्र थे उनको दूषित कर दिया और बोला आठ पैर वाली गाय को यज्ञ में आहुति दे दो। सनातन धर्मियों ने कहा अच्छा ठीक है दे देते हैं। आप पूछेंगे आठ पैर वाली गाय, आठ पैर, वही मैं पूछने वाली थी, आठ पैर वाली गाय, आठ पैर वाली मतलब जो गर्भवती गाय हो, चार पैर उसके, चार पैर उसके पेट में जो बच्चा है उसके। ऋषि दयानंद ने कहा यह बहुत फ्रॉड बात है। अष्टापदौ गो आलंबनिया का मतलब है आठ विभक्तियां होती हैं संस्कृत में। पद मतलब विभक्तियां, अष्ट मतलब आठ, गौ मतलब वाणी। तो आठ विभक्तियों से युक्त जो भाषा बोलता है वो उत्तम भाषा होती है, ये होता है। ये कैसे अर्थ निकलता है? संदर्भ और प्रसंग के अनुसार निकलता है। इन सायण और मैक्स मुलर और ग्रिफिथ और ये पाश्चात्य तथाकथित विद्वानों ने हमारे वेदों को धूमिल कर दिया ताकि यहाँ का जो नौजवान जब इन झूठे और गलत वेदों का अर्थ पढ़ेगा तो उसको सनातन धर्म से घृणा हो जाएगी कि हमारे सनातन धर्म में तो हिंसा की जाती है, पशुओं को बलि दी जाता है। तो ऋषि दयानंद भी चाहते तो वो क्या करते, अपना अलग संप्रदाय बना देते। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये हमारा ही रॉन्ग नंबर कोई लगा रहा है, इसको ठीक करो। और उन्होंने सच्चा सच्चा वेदों का भाष्य किया और पूरी संसार को कहा कि एक ओम ध्वज के नीचे आ जाओ, सब एक हो जाओ, वेदों की ओर लौटो। तो ये अपने अपने मानसिकता की बात है। कोई देखता है कि टैंक आधा भरा है और कोई बोलता है आधा खाली है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि जैसे बहुत सारे लोग बलि की बात, आप जैसे अपने की, हमें भी हर दिन वीडियोस या जहां से जानकारी मिलती है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म में बलि प्रथा है। बिल्कुल बलि प्रथा नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूँ 11 उपनिषद, 6 दर्शन, 4 वेद, महाभारत, रामायण, भगवद गीता और मनुस्मृति, सारे प्रमाण उठा लेना, कहीं बलि प्रथा नहीं है। अष्ट रक्ष यक्ष रक्ष पिशाचन्नम मध्यम मासम सुरासवम यद ब्राह्मणेन नातव्यम देवानाम श्नता हवि। महर्षि मनु कहते हैं यक्ष रक्ष पिशाचन्नम, राक्षसों का भोजन है, पिशाचों का भोजन है क्या, मास, मध्य मास, सुरा और आसव, ये अच्छे लोगों का, सद विचारधारा वाले लोगों का भोजन नहीं है। इसलिए जिनको भी डाउट हो और जिनको भी लोग मूर्ख बना रहे हो बलि प्रथा पे और बलि वैश्वदेव यज्ञ पर, ये वो बलि नहीं है। बलि मतलब बलिदान। मेरे अंदर यदि कोई कुरूति आ गई है तो उसका बलिदान कर दूं, अब नहीं करना है। बलि वैश्वदेव यज्ञ मतलब जितने भी असहाय बेजुबान प्राणी हैं उनको भी अपने हिस्से में से मुझे कुछ देना है, वो बलि वैश्वदेव यज्ञ है। बलि देने का कोई प्रावधान नहीं है।